और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चिकित्सा विभाग की भर्तियों में लेट लतीफी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झालाना स्थित शिफू के बाहर जारी धरने पर दो महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। दोनों अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से लाया गया है एसएमएस इमरजेंसी। चिकित्सकों की निगरानी में शुरू हुआ महिला अभ्यर्थियों का ट्रीटमेंट। दरअसल कुल 8 कैडर में निकाली गई है मेडिकल में भर्तियां। फार्मासिस्ट को छोड़कर सभी कैडर की जारी हो चुकी है प्रोविजन लिस्ट। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, फार्मासिस्ट के 3,067, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178, लैब टेक्नीशियन के 2,190 पदों पर हो रही भर्ती। इसके साथ ही ईसीजी टेक्नीशियन के 246, डेंटल टेक्नीशियन के 151, नेत्र सहायक के 117 पदों पर प्रक्रियाधीन है चिकित्सा विभाग में भर्तियां। चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों के लिए शिफू संस्थान है नोडल अधिकारी। तो देखिए, दो जो अभ्यर्थी हैं महिला, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। विकास शर्मा हमारे सहयोगी महाशय जुड़ रहे हैं। विकास, से पूरा मामला जरा समझाइएगा, और साथ ही साथ जो दो महिला अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन में शामिल हैं, तबीयत उनकी ज्यादा खराब बताई जा रही है, उसको लेकर अपडेट भी दीजिएगा। ये जो आंदोलन था पिछले 16 दिन से शिफू, जो की झालाना संस्थान के बाहर जो शिफू संस्थान है जहाँ पर की पूरी भर्ती के लिए नोडल एजेंसी है, वहाँ पर पिछले 16 दिन से धरना चल रहा है। धरने के साथ ही आमरण अनशन जो है उस पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, और उन्हीं अभ्यर्थियों से दो अभ्यर्थियों की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई थी। जो दो अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही है उसमें से एक चूरू की कल्पना है जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वहीं दूसरी और सेकंड जो है वर्षा है कोटा की स्टूडेंट है। ये दोनों अभ्यर्थी हैं जो की धरने पर बैठी हुई थी, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनको आनंद फानंद में तत्काल प्रभाव से एसएमएस जो इमरजेंसी वहां लाया गया, वहां पर उनका चिकित्सकों की निगरानी में ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये तमाम जो चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के परिणाम जो है जल्द से जल्द जारी करने, नियुक्ति देने को लेकर के ये धरना जारी है। जो 7-8 कैडर है उनमें से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट का अभ्यर्थी को इंतजार है। वहीं दूसरी ओर फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसके अंदर प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार, तो ऐसे करके कुल 8 भर्तियां हैं जिनको लेकर के पूरा ये मामला है। और इन पूरे मामले को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। धरना देकर के उनकी एक ही मांग है, उनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग भी एक्टिव मोड पर है, उन्होंने भी पूरी एक्शन प्लान बना लिया है कि जल्द से इनको नियुक्ति दी जाए। उसके लिए उन्होंने कैडर वाइज प्लान बनाया कि कैसे कैसे कम जिनके पद है उनकी जो तत्काल प्रभाव से उनका पोस्टिंग दे दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है इसमें यह आ रही है कि जो दस्तावेज है जो दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी हैं इनके दस्तावेजों की प्रमाणिकता जो जांचनी है, और इस जांच की प्रक्रिया में देरी के चलते ये जो पूरा मामला अभी तक अटका हुआ है। जी विकास, कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है, और नियुक्ति में देरी का कारण जिस तरीके से आप समझा रहे हैं तो इस पर कुछ विभाग की तरफ से कहा गया है? देखिए, अगर बात करें इस पूरी भर्ती की तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती है, 20,000 के आसपास पद है। 8 कैडर के अंदर 20,000 के आसपास पद है, और अगर हम पदों के बारे में अगर बात करते हैं तो अलग अलग कैडर के पद है। अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के पद है, उसके अलावा जो अलग अलग और जो कैडर है उनके पद है। अगर कैडर वाइज बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पद है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पद है, फार्मासिस्ट के 3,000 से अधिक पद है, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178 पद है, लैब टेक्नीशियन के 2,190 पद है, इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के 246, डेंटल के 151, नेत्र सहायक के 117 पदों के लिए पूरी भर्ती की प्रक्रिया है, जंबो भर्ती कह सकते हैं। और 20,000 के आसपास अभ्यर्थी को इस भर्ती से नौकरी मिलेगी, और इस नौकरी के लिए बहुत लंबा संघर्ष जो है इन बच्चों ने किया है। तो ऐसे में उनका कहना यही है कि जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है, तो जल्द से जल्द फाइनल लिस्ट जारी की जाए, फाइनल लिस्ट आखिर जारी करके और उनको नई सरकार एक बड़ा तोहफा दे, नौकरी का तोहफा दे। और उसी के लिए लगातार 16 दिन से शिफू के बाहर एक बड़ा धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है। उसी में से दो अभ्यर्थी की अभी अचानक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, जिनको ऐसे में अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। लेकिन विकास, ये धरना प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, तो क्या किसी से कुछ संपर्क की कोशिश नहीं की गई है, या फिर कोई अन्य प्रतिक्रिया किसी की आई हो? क्योंकि अचानक से इस तरीके से महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी हो जाता है फिर। देखिए दीपिका, इस पूरे मामले में हमने कल हमारे दर्शकों को बताया था कि सरकार इस पूरे मामले में अत्यंत गंभीर है। खुद चिकित्सा मंत्री जो है उनका एक संवेदनशील बयान आया था कि बच्चों को नौकरी देना बहुत बड़े पुण्य का काम है और इस पुण्य को मैं करते रहूंगा, ये उनका बयान था। और उसके बाद में उन्होंने डिपार्टमेंट की परसों देर रात को बैठक बुलाई, बैठक बुला के पूरा एक्शन प्लान तैयार कराया, और साथ में ये कहा कि कुछ भी हो इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, उसके लिए जो भी संसाधन लगाने हैं, जो भी विभागों से मदद ली जानी है या फिर और कोई अतिरिक्त इंतजाम करने हो सब कीजिए, लेकिन जल्द से इनकी भर्ती जो है उसको पूरी कीजिए। और इसी में तय किया गया था कि जो छोटी भर्तियां हैं जिनमें की छोटे पद है, जिनमें 200 पद है, 150 पद है,
उन पदों की भर्तियों के परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिए जाए, उनकी पोस्टिंग जल्दी से जारी की जाए, ताकि अभ्यर्थियों में एक उम्मीद दी जाए इस बात को लेकर की सरकार भर्तियों के प्रति गंभीर है, और जब इनकी नौकरी दे दी गई तो हमारी भी नौकरी आ जाएगी। क्योंकि बड़ा वॉल्यूम है और बड़े वॉल्यूम में किसी भी अभ्यर्थी की गलत नौकरी लग जाती है, गलत दस्तावेज के आधार पर नौकरी लग जाती है, तो लिटिगेशन बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए उन प्रयासों से बचने का प्रयास भी। ठीक है, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत।